Hey guys, what's up? This is Mohit Biz from Fit India, and somebody mailed me and unka question tha ki should we take a protein powder or a weight gainer? And he was pretty confused and he said that his weight is around 70 kgs, height is 5 foot 8 inches, and he wanted to gain muscle, but he wasn't sure ki use mass gainer lena chahiye ya protein supplement lena chahiye. So that's why I decided to make this video. And देखो, पहले प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं, ठीक है? आप जब प्रोटीन सप्लीमेंट का अपना न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इट इज़ लो इन फैट, इट इज़ लाइक प्रीटी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, 4-5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, एंड इट इज़ हाई इन प्रोटीन. एक स्कूप में अराउंड 24-25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा. प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है? अमीनो एसिड्स टोटल 20 टाइप्स ऑफ होते हैं. 11 आर नॉन एसेंशियल एंड 9 आर एसेंशियल. अब नॉन एसेंशियल मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट. अब ऐसा क्यों है? देखो, जो नॉन एसेंशियल होते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद उन्हें प्रोड्यूस कर पाती है, और जो बाकी 9 है वो एसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकती है. इसलिए हमें अपनी डाइट से वो बाकी जो 9 अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो हमें अपनी डाइट से लेने होते हैं. और हमारी बॉडी ना उन अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स को स्टोर भी नहीं कर पाती है. इसलिए एवरी डे हमें गुड प्रोटीन सोर्सेज चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों, ताकि यू नो वी कैन पुश आर मसल बिल्डिंग प्रोसेस. एनी अमीनो एसिड लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आप जब भी अपना प्रोटीन सप्लीमेंट देखेंगे ना, उसका पीछे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का चार्ट पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें लिखा होगा इट कंटेन्स ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सबके नाम लिखे होंगे, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन एक्सेट्रा, ये लिखा होगा, आप नोटिस करना, ठीक है? और ये आपको सारे ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं आपको फूड सोर्सेज से मिल जाएंगे, बेसिकली एनिमल प्रोटीन सोर्सेज लाइक मीट, चिकन, एग्स. ये वेजिटेरियन सोर्सेज में भी होते हैं, पर वेजिटेरियन सोर्सेज में यूजुअली सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक फूड सोर्स में नहीं होते, इसलिए उन्हें इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं. और जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं उन्हें कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं. ये बात होगी प्रोटीन की खत्म. अब बात करते हैं वेट गेनर्स की. हाँ, सॉरी, प्रोटीन की बात खत्म करने से पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिए फूड सोर्सेज के, चिकन, मीट, ये देखो थोड़े एक्सपेंसिव, हल्के एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है. ये एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. इसीलिए जब आप पाउडर फॉर्म में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड ले रहे हैं तो पाउडर फॉर्म, दैट इज प्रोटीन पाउडर, ये भी एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट है एक्सपेंसिव होता थोड़ा. अब बात करते हैं गेनर की. गेनर में क्या न्यूट्रिएंट हो गया? फैट लो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हाई, एंड प्रोटीन काइंड ऑफ लो. मैंने मसल ब्लेज मास गेनर का भी रिव्यू किया था, उसमें मैंने बताया था कि एक स्कूप में आपको अराउंड 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, तो दैट इज नॉट टू हाई, टू लो, नॉट टू लो, नॉट टू हाई, बट लो. तो बेसिकली आप ना अपने गेनर में देखेंगे हाई कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है? और जो प्रोटीन है एक स्कूप में 7 ग्राम, जैसे मसल ब्लेज में होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उस प्रोटीन कंटेंट के बारे में ना न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का जो चार्ट होता है इसके बॉक्स के, इसके टब के पीछे, उस प्रोटीन के बारे में ना ब्रेकडाउन नहीं लिखा होगा कि इसमें अमीनो एसिड्स कितने हैं, कौन से अमीनो एसिड्स, नहीं लिखा होता. पता है क्यों? क्योंकि उसमें चीप सोर्सेज ऑफ अमीनो एसिड्स यूज हुए होते हैं, चीप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन यूज हुआ होता है. उन्होंने अगर उन्होंने एक्चुअली में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स यूज किए होते ना उसकी प्रोडक्शन में, तो वो जरूर लिखते. क्यों नहीं लिखेंगे? अब वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लिखते ना. प्रोटीन में भी तो लिखते हैं, बट गेनर में क्यों नहीं लिखते? बिकॉज चीप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज बीइंग यूज्ड. मतलब आपको पता नहीं है, वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हो सकते हैं, नॉट सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हो सकते हैं. क्या पता वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सारे ना हो, कुछ कुछ हो, उनका राइट प्रोपोर्शन ना हो. क्या पता नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे दिए हों जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए आपको नहीं पता. एंड बेसिकली आप अपने गेनर, मास गेनर्स में ना पूरा पैसे उसके दे रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स के, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत चीप न्यूट्रिएंट है. पता है क्यों? आप देख लो, अपने आप किचन में जाके देखो, राइस अच्छे डिसेंट क्वालिटी राइस भी लोगे ना, आपको 100 रुपए पर केजी मिल जाएगा. हाँ, वाइट राइस 100 रुपए पर केजी मिल जाएगा, ब्राउन राइस आपको 120-130 रुपए पर केजी मिल जाएगा, स्वीट पोटैटो, पोटैटो वेरी चीप, ओट्स, ओट्स भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये देखो चीप सोर्सेज हैं और ये बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो कार्बोहाइड्रेट एक चीप न्यूट्रिएंट है इंडियन मार्केट में. तो इंडिया में तो मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे सस्ता है, जो सबसे सस्ता न्यूट्रिएंट है जो आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स में आपकी हेल्प कर सकता है. तो आप
अपने गेनर में मेन पैसे कार्बोहाइड्रेट्स के दे रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत चीप न्यूट्रिएंट है, ठीक है। दैट इज वाई गेनर जो ये मास गेनर्स होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन पाउडर्स। और लोगों को लगता है कि मास गेनर्स है मतलब इससे हमारा मास गेन होगा और ये सस्ता भी है तो हम ये ले लेते हैं। अब उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में समझने की कोशिश तो करो पहले, वो सस्ता क्यों है। कंपनी पागल तो है नहीं कि आपको सस्ता दे देगी, वो सस्ती चीज यूज कर रहे हैं इसलिए तो आपको सस्ता दे रहे हैं। तो और ये भी मैंने आपको बता दिया, गेनर में आपको नहीं पता कौन से अमीनो एसिड्स यूज हुए हैं प्रोटीन के लिए, वो नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, एसेंशियल है भी तो उनका राइट क्वांटिटी या सारे एसेंशियल सारे ऑल नाइन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ना हो आपको नहीं पता, नहीं होंगे इसलिए वो लिखते नहीं है, मतलब नहीं है। तो मैंने आपको प्रोटीन और गेनर का ब्रेकडाउन बता दिया, इनका ब्रीफली इनको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उनके लिए एंड जिसका किसी और का ये डाउट था उनके लिए, कि व्हाट इज बेटर, प्रोटीन पाउडर्स और वेट गेनर्स। मेरी रिकमेंडेशन है कि गो फॉर प्रोटीन पाउडर्स। मैंने अपनी लाइफ में आई हैव बीन लिफ्टिंग फॉर 2.5 इयर्स, मैंने कभी मास गेनर सप्लीमेंट यूज नहीं किया है, मेरे को वैसे कोई खास दिक्कत होती नहीं है वेट गेन करने में। देखो वेट गेन करने का सिंपल फॉर्मूला, ईट मोर। एंड लोग ना बोलते हैं यार मेरा वेट गेन होता ही नहीं, यार आप खाते नहीं हो ज्यादा, वो आपको लग रहा है आप ज्यादा खाते हो लेकिन आप खाते नहीं हो एक्चुअली में। आप अगर अपनी कैलोरीज ट्रैक करने लग जाओगे ना आपको पता लग जाएगा आप ज्यादा 2,000-2,500 से ज्यादा कैलोरीज नहीं ले रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप नहीं ले रहे हो तो 2,000-2,500 कैलोरीज यूजली मेरे लिए तो वो कटिंग कैलोरीज है, और आप उसमें सोच रहे हो आप गेन कर लो, किसी का गेन हो भी सकता है इतनी कैलोरी से, बट यूजुअली मैं आपको एक जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ज्यादा खा नहीं रहे हो इसलिए आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, आप ऐसे मास गेनर इन सप्लीमेंट से जबरदस्ती अट्रैक्ट ना हो। मेरी रिकमेंडेशन है गो फॉर प्रोटीन पाउडर्स, बिकॉज उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, मास गेनर्स में वो नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रोटीन का फायदा बता दिया कि उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और मास गेनर्स में नहीं होते हैं, बट अब मास गेनर का फायदा क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बट लेकिन प्रोटीन पाउडर में नहीं होते हैं। तो प्रोटीन पाउडर को एक कंप्लीट मास गेनर आप कैसे बनाओगे, मैं बताता हूँ कैसे बनाओगे। आप प्रोटीन पाउडर लो, मिल्क लो, उसमें प्रोटीन पाउडर डालो, उसमें एक बनाना ऐड करो, आप उसमें 40-50 ग्राम्स ओट्स ऐड करो, आप उसमें बादाम आलमंड्स ऐड करो, वो एक प्रॉपर आपका ना मास गेनर शेक बन गया। अगर आपको थोड़े ज़्यादा ऐड करना है बनाना, एक की जगह डेढ़ या दो ऐड कर दो, ये प्रॉपर आपका एक गेनिंग शेक हो गया। आपको इसमें आराम से 400-500 कैलोरीज मिल सकती हैं जो कि एक मास गेनर के एक स्कूप से भी ज़्यादा होती हैं यूजुअली। तो आप मास गेनर का आपको सब्स्टिट्यूट मैंने बता दिया, प्रोटीन में आप ये सारी चीज़ें ऐड करो, उससे ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, आपका वेट गेन होगा, मतलब हेल्प करेगा, होगा तो डिपेंड करता है कि आप बाकी दिन में क्या खा रहे हो, एंड उसका टेस्ट भी बहुत सही होगा, और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको बनाना ओट्स से मिल रहे हैं, प्रोटीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपको प्रोटीन पाउडर से मिल रहे हैं, मिल्क से आपको फैट प्रोटीन एंड कार्ब्स तीनों चीज़ें मिल रही हैं, आलमंड्स बादाम से आपको फैट्स मिल रहे हैं, आपको एक कंप्लीट एक प्रॉपर गेनिंग शेक हो गया। और एक और बात जो आप वो लेते हैं, जैसे ये ओट्स हैं इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बट जो आप गेनर यूज़ करें ना उसमें आपको नहीं पता आपका कौन सा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज़ हुआ है, मे बी इट्स लाइक शुगर एट्सेट्रा, तो आपको मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि उसमें चीप सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ हो मे बी, आपको नहीं पता क्योंकि उसका ब्रेकडाउन देते भी नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो ना बताते हैं कि उनके जो मास गेनर्स हैं उनमें ओट्स यूज हुए हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो दैट्स अ गुड थिंग, वो बता रहे हैं। अगर अच्छी चीज़ होगी ना वो ज़रूर बताएंगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो वो बताएंगे ही नहीं। तो अगर आपकी कंपनी जिसका आप लेने की सोच रहे हो, जिसका आपने लिया हुआ, उसमें नहीं लिखा उसके कार्बोहाइड्रेट सोर्स के बारे में, इसका मतलब चीप सोर्स यूज हुआ है, सिंपल। सो ये मेरा मानना था, एंड आई से दैट मैक्सिमम जो फिटनेस एंथुसियास्ट फिटनेस एक्सपर्ट्स या जो भी आप कहना चाहते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। काफ़ी लोग हैं वो मास गेनर्स के लिए मना करते हैं लोगों को, एंड दैट्स ट्रू। आपको प्रोटीन सप्लीमेंट को ही आप अपना मास गेनर शेक बना सकते हो, और प्रोटीन सप्लीमेंट से आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हो मास गेनर्स की तरफ, वो सस्ती चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स के पैसे ले रहे हैं भाई वो, और कार्बोहाइड्रेट्स आपके इंडियन ये फूड में भरा पड़ा है कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोग मोटे पता है इसलिए होते क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हो, इसलिए इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भरा पड़ा है। तो फालतू में मास गेनर सप्लीमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट ना हो, गो फॉर वे प्रोटीन। एंड आई नो वे प्रोटीन्स ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट देयर इज अ रीजन वो एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एंड दैट्स इट, या दैट्स इट। एंड
आई होप जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया हो. आई होप मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो. बाय. टेक केयर. कीप लिफ्टिंग. सी यू.